हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो पे। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नितेश तिवारी जी की रामायण मूवी के बारे में। भाई सच बताऊं, दिल से कहता हूं, इस बार रामायण को बड़े पर्दे पर देखने का जो ख्वाहिश है हमारा, पूरा हो जाएगा बोल करके स्ट्रांगली फील होता है। क्योंकि नितेश तिवारी एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं, दंगल जैसा फिल्म, छिछोरे जैसा फिल्म वो दिए हैं, बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं। और उनके बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह भी हम देखे हैं जहाँ पे वो रामायण मूवी को लेकर के बात करते हैं कि बहुत सारे पंडित ज्ञानी धार्मिक लोगों के साथ जाकर के मिलते हैं, वो रामायण मूवी के बारे में बात करते हैं, क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ों का सुझाव लेकर के आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख करके स्ट्रांगली फील होता है कि भाई इस बार हमें रामायण मूवी देखने को मिल जाएगा बड़े पर्दे पर, एकदम से बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से। लेकिन जब जहाँ तक बात होती है रामायण मूवी की अपडेट को लेकर के, तो इंटरनेट पे अभी अभी क्या चल रहा है रामायण मूवी को लेकर के, क्या न्यूज है, अभी क्या चल रहा है? तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि रूमर्स चल रहा है, अफवाहें चल रही है स्टार कास्ट को लेकर के, कि ये स्टार कास्ट, ये एक्टर इस किरदार में आएंगे, वो एक्टर इस किरदार में आएंगे, वो किरदार में आएंगे, इस तरह की बातें चल रही है और कुछ नहीं। सच बताऊं तो कोई भी स्टार कास्ट अभी तक कंफर्म नहीं हुए हैं। इवन रॉकिंग स्टार यश भी, उनको अप्रोच किया जा रहा है लेकिन वो हामी अभी तक नहीं भरे हैं स्ट्रॉन्गली। अगर कंफर्म है दोनों तरफ से, मेकर्स की तरफ से और एक्टर की तरफ से, अगर कंफर्म है तो वो है सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर, जिनको वो भगवान श्री रामचंद्र जी के किरदार में अपनी रामायण मूवी में दिखाना चाहते हैं। बाकी कोई भी स्टारकास्ट अभी तक कंफर्म नहीं है। साई पल्लवी जी का मैं कह नहीं सकता कि वो अभी तक हाँ बोले हैं नहीं बोले हैं, लेकिन रणबीर कपूर जो है एकदम से वो हाँ बोल गए। और उनको छोड़ने के बाद जितने सारे भी एक्टर लोगों के बारे में बात हो रही है ना मेरे गाइस, ये सारा का सारा रूमर्स है, ये सारा का सारा अफवाह है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि मेकर्स को भी पता नहीं होगा कि मार्केट पे, इंटरनेट पे कौन सी एक्टर को लेकर के कौन सी किरदार में बातें फैलाई जा रही है। अभी अभी हाल ही में साक्षी तनवार के नाम पे बातें उठ रही थी कि साक्षी तनवार मंदोदरी के किरदार में नजर आएंगे, रावण की पत्नी के किरदार में नजर आएंगे। साक्षी तनवार जो कि दंगल मूवी में आमिर खान की पत्नी के किरदार में नजर आई थी। ओके, इस बात को क्यों फैलाया गया आपको पता है? इस बात को इसलिए फैलाया गया क्योंकि वो दंगल मूवी में काम करी है और दंगल मूवी के डायरेक्टर कौन है? नितेश तिवारी। तो नितेश तिवारी अपनी जो सक्सेस मूवी रही दंगल मूवी, दंगल मूवी का जो एक्ट्रेस है साक्षी तनवार, उनको ले आएंगे और यहाँ पे कौन सी किरदार देंगे, कौन सी किरदार देंगे? वहां पे आमिर खान की पत्नी बनी थी तो यहाँ पे यश की पत्नी बना देते हैं, रावण की पत्नी बना देते हैं, क्योंकि रामायण मूवी का सबसे स्ट्रांग हिस्सा जो है वो यश है। यश के नाम पे रामायण मूवी का चर्चा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन कल ही हमें बॉलीवुड हंगामा की तरफ से एक अपडेट देखने को मिला है, आर्टिकल देखने को मिला है, जहाँ के साक्षी तनवार को जाकर के बॉलीवुड हंगामा वाले पूछे हैं और वो डायरेक्टली बोले हैं कि नहीं, मुझे कोई अप्रोच वगैरह नहीं बोला गया है, मेकर्स की तरफ से कोई भी ऑफर नहीं आया है। मतलब वो भी रूमर्स था भाई। मेकर्स ना इनसाइड प्रॉब्लम से अभी इनसाइड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हैं। रामायण मूवी का काम शुरू करने से पहले बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि मेकर्स के साथ अभी जूझ रहा है, तो वो सारी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने में लगे हैं। स्टारकास्ट के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। और वैसे भी यार देखो, मैं जितना फील करता हूँ, मैं जितना जानता हूँ, आप भी इस बात के ऊपर एग्री करोगे कि रामायण मूवी में रॉकिंग स्टार यश को रावण के किरदार में, भाई रॉकिंग स्टार यश के फैंस लोग तो बिल्कुल नाराज है वो किरदार के लिए। क्यों कर रहे हैं ये फिल्म? पहली बात तो बॉलीवुड मूवी है, दूसरी बात तो रावण का किरदार, वो लोग बहुत नाराज हैं। और आपको तो अच्छी तरह से मालूम है कि रॉकिंग स्टार यश अपनी फैंस लोगों को कितना चाहते हैं। अपने बर्थडे पर अगर मिल नहीं पाते तो नोट छोड़ते हैं, एक एक चीज के ऊपर ध्यान देते हैं। तो वो डायरेक्टली, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि रामायण मूवी को लेकर के उनके फैंस लोगों का क्या रिएक्शन है, तो डायरेक्टली हामी भर देंगे। हैं, रॉकिंग स्टार यश अभी तो कन्फर्म नहीं है भाई, बिल्कुल कन्फर्म नहीं है। ओके, और दूसरी बात ये, नितेश तिवारी क्या इतने बेवकूफ हैं कि साक्षी तनवार को लेकर के ये रॉकिंग स्टार यश के साथ जोड़ेंगे? और कोई एक्ट्रेस नहीं है, एक बड़े लेवल के एक्ट्रेस को लेंगे, अगर लेंगे रॉकिंग स्टार यश को तो मंदोदरी के किरदार में एक बड़े लेवल की एक्ट्रेस को लेंगे, जहां पे रकुलप्रीत सिंह के नाम पे अफवाह फैलाई जाती है कि वो सुर्पनखा वाले किरदार में नजर आएंगे। रकुलप्रीत जैसे एक्ट्रेस सुर्पनखा वाले किरदार में नजर आएंगे और साक्षी तनवार मंदोदरी के किरदार में नजर आएंगे, जो कि रावण की पत्नी होंगे, मतलब यश की पत्नी में। क्या यार, कुछ भी। और अगर ऐसा हुआ रॉकिंग स्टार यश रावण के किरदार में आए, साक्षी तनवार मंदोदरी के किरदार में आए,
तो रॉकिंग स्टार यश के फैंस लोगों का क्या दशा होगा बोलो तो, पहले से रावण की वाले किरदार के लिए एकदम से नाराज हैं, और ऊपर से कोई ऐसी एक्ट्रेस को नहीं लिया जा रहा है जो कि पैन इंडिया लेवल की एक्ट्रेस हो या फिर एक बड़े लेवल की एक्ट्रेस हो, उनको नहीं लिया जा रहा है, एक ऐसे एक्ट्रेस को लिया जा रहा है जो कि हमेशा एजेड वाले किरदार में नजर आती है, तो उनका क्या दशा होगा। मैं यहाँ पे कोई हेट नहीं फैला रहा हूँ, जो सच है मैं वही बता रहा हूँ। रॉकिंग स्टार यश जी के फैंस लोगों के दिलों का जो सच है, जो रामायण मूवी को लेकर के जो सच है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो गाइस एंड ऑफ दिस वीडियो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि रामायण मूवी को लेकर के जितने सारे भी अपडेट आ रहे हैं ना, एक्टर किरदारों इन सारी चीजों को लेकर के, भाई सब कुछ अफवाह ही चल रही है, बिल्कुल अफवाह ही चल रही है। इसके ऊपर मेकर्स अभी कोई भी काम नहीं कर रहे, मेकर्स अभी इनसाइड प्रॉब्लम के साथ ही सोच रहे हैं, इनसाइड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसके बाद रामायण मूवी को स्टार्ट करेंगे, और वो उसके बाद सोचेंगे कि भाई स्टारकास्ट वगैरह क्या करना है क्या नहीं। इनसाइड प्रॉब्लम का मतलब आप समझते हो ना, मूवी का स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, कौन से सीन को दिखाना है, कौन से सीन को हटाना है। रामायण इतनी बड़ी है और ये तो संपूर्ण रामायण बना रहे हैं, तीन तीन पार्ट में ट्रिलोजी होने वाला है, तो संपूर्ण रामायण बनाएंगे तो सब कुछ दिखाना पड़ेगा, और सब कुछ दिखाएंगे तो भाई नितेश तिवारी का जिंदगी खत्म हो जाएगा, रामायण दिखा नहीं पाएंगे, इतनी लंबी है रामायण। ठीक है, तो कौन से सीन को दिखाना है, कौन से सीन को नहीं दिखाना है, कैसे दिखाना है, क्या करना है, वो सारी चीजों में वो अभी लगे हैं, वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा वो स्टारकास्ट के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो गाइस इन सारी अफवाहों के साथ आप बिल्कुल भी मत जाइए। जब से ये साक्षी तनवार की बात पता चली, मुझे रॉकिंग स्टार यस यस के फैंस लोगों की तरफ से बहुत सारे कमेंट आए कि भाई क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। पहले तो रावण के किरदार में रॉकिंग स्टार यस को लिया जा रहा है, उनके साथ साक्षी तनवार जैसे एक्ट्रेस को लिया जा रहा है, क्या हो रहा है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कंप्लीटली रूमर्स है, एकदम अफवाह है, जिसका खुलासा हो चुका है। साक्षी तनवार खुद ही बोल चुके हैं कि उनको कोई अप्रोच नहीं गया है मंदोदरी वाले किरदार के लिए। ओके, होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।